गाइस, मैं विनीता अस्वाल स्वागत करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं घनसाली। मैं अपने मायके जा रही हूँ क्योंकि मेरे भाई की मैरिज है। चिंटू क्या खा रहे हो आप? मैं यहाँ था। इस देखिए, और से बनने के लिए हमने रात को चावल भिगो दिए थे और अब हम इन्हें थोड़ा सा सुखा रहे हैं, फिर इन्हें चक्की पे पीसने के लिए देंगे। और देखिए गाइस, इस तरीके से गढ़वाली मिठाई बनना स्टार्ट हो चुकी है शादी में। देखिए गाइस, गाइस देखिए, इस तरीके से चावल बिल्कुल बारीक हो के आ चुका है, इस तरीके से पाउडर बन चुका है। और अब हम लोगों ने गुड़ का पानी तैयार कर लिया है। ये अभी ला कड़े अभी भी एक ज्यादा पर होगी टाइट कुछ गाड़ दो आपके दांत नहीं आ रहे अब आएंगे ना दांत अब आगे दांत हो गए पूछ तो ले कब आएगा दांत में ना। देखिए गाइस, और से बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं। क्या? अच्छा मैं दिखा रही हूँ। सभी चाचा जी बैठे चुपचाप आके जी मेरे को दिखाएंगे। आजो भाभी, अभी तो कोई नहीं आई। घुमा के डालते हैं पूरी डालते थे ना पंजाबी। फिर भी चुट्टू चाचा जी आगे पीछे से मारेंगे डंडा। देख गोल चल रहा ना भी? आपने प्रेस कर दिया? हाँ दबाया। क्या चाचा जी बोलो भी कुछ। गाइस देखिए, यहाँ पे गढ़वाली मिठाई बन रही है। अच्छा, आप देख सकते हो सब लोग कितनी मेहनत करते हैं। आज हमारे ग्राम सभा जुनाना में हरि सिंह नेगी की शादी की के उपलक्ष में यहाँ पर गढ़वाली मिठाई बन रही है, जिसको कहते हैं अरसा। अब बनाया ना ब्लॉग चाचा जी ने। तो ये अरसा है, ये देखो ये लोग किस तरह से बनाते हैं। ये सभी गांव के सभी महिलाएं काम कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से बना रहे हैं, कोई छान रहे हैं। ये देखो, ये आपको यहाँ देखो, ये महिलाएं हमारे जुनाना ग्राम सभा के हैं, ये गढ़वाली मिठाई बना रहे हैं। इनको बोलते हैं अरसा।
अब पूरा तो जाओ ये बड़ी कढ़ाई पे एयर जिसको बोलते हैं एयर सॉरी ये देखिए उस तरह से अरसा बन रहा है। ये हमारे गांव की झलक, सभी महिलाएं अरसा बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर इस तरह से ऐसा बनते हुए बना रहे हैं लोग, बहुत खुशी खुशी से बना रहे हैं, हंसते चेहरा। धुआं से आंसू भी आ रहे हैं किसी के, और कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, धुआं लग रहा है। ये देखो ये ये देखो ये हमारी बहू है, ये चाय बनाते हुए ये चाय पिला रहे हैं सभी लोगों को, बहुत अच्छी बात है। गाइस देखिए इस तरीके से ये बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए गाइस अभी ये बहुत गर्म है इसलिए इनको ऐसे रखा गया है। इस तरीके से सारे बनेंगे और कल अब बनेंगे हमारे यहाँ पे पकोड़े, मैं पूरे वो भी दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे बनाए जाते हैं। गाइस देखिए दाल पीस रही है और अब पकोड़े बनेंगे काली दाल के। आज गाइस देखिए काली दाल के पकोड़े बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इस तरीके से इसको मिलाया जा रहा है हल्के तरीके से पकोड़े बनाए जा रहे हैं। गाइस देखिए गांव की सभी लेडीजें आके रात को पकोड़े बना रही हैं।